गुरु महात्मा स्वयं पधारे यूपी के इस गांव में, गुरु महात्मा स्वयं पधारे यूपी के इस गांव में, जानते हैं ये स्थान विदुर कुटी के नाम से, जानते हैं ये स्थान विदुर कुटी के नाम से, धृष्ट राज का महल छोड़कर यहाँ चले वो आए थे, धृष्ट राज का महल छोड़कर यहाँ चले वो आए थे, की थी तपस्या यहाँ उन्होंने आश्रम भी बनाए थे, की थी तपस्या यहाँ उन्होंने आश्रम भी बनाए थे, बिजनौर जिले में स्थित है ये गंज से जानी जाती है, बिजनौर जिले से स्थित है ये गंज में जानी जाती है, महाभारत से जुड़ी अनोखी इसकी ये कहानी है, महाभारत से जुड़ी अनोखी इसकी ये कहानी है, गुरु महात्मा स्वयं पधारे यूपी के इस गांव में, जानते हैं ये स्थान विदुर कुटी के नाम से, जानते हैं ये स्थान विदुर कुटी के नाम से, पांडवों का संधि पत्र जब लेकर कृष्णा महल गए, पांडवों का संधि पत्र जब लेकर कृष्णा महल गए, दुर्योधन ने किया इनकार युद्ध के लिए ललकार रहे, दुर्योधन ने किया इनकार युद्ध के लिए ललकार रहे, चल रहा था कोई उत्सव, चल रहा था कोई उत्सव महल में दुर्योधन के, बोले खाना खाकर जाना जब आए हो कान्हा, बोले खाना खाकर जाना जब आए हो कान्हा, कान्हा बोले छलक रहा अपमान तुम्हारी बातों में, कान्हा बोले छलक रहा अपमान तुम्हारी बातों में, नहीं करूं स्वीकार मैं अपमान तुम्हारी बातों में, नहीं करूं स्वीकार मैं अपमान तुम्हारी बातों में, इतना कहकर आ पहुँचे वो, इतना कहकर चलते चलते पहुँच गए वो आश्रम में, इतना कहकर चलते चलते पहुँच गए वो आश्रम में, भूख लगी थी खाया साग बथुए का आश्रम में, भूख लगी थी खाया साग बथुए का आश्रम में, कान्हा जी के पड़े चरण थे विदुर कुटी के आश्रम में, कान्हा जी के पड़े चरण थे विदुर कुटी के आश्रम में, गुरु महात्मा स्वयं पधारे यूपी के इस गांव में, गुरु महात्मा स्वयं पधारे यूपी के इस गांव में, जानते हैं ये स्थान विदुर कुटी के नाम से, जानते हैं ये स्थान विदुर कुटी के नाम से, अमर हो गया था बथुआ विदुर कुटी के धाम में, अमर हो गया था बथुआ वो विदुर कुटी के धाम में, कुछ दूरी पर पावन